नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि वो गांठ गोभी की उन्नत खेती कैसे करें और कौन कौन सी उसके लिए उपयुक्त किस्में हैं, देखभाल आप अपनी फसल की कैसे करें और उससे आपको कितनी पैदावार प्राप्त हो सकती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं किसान भाइयों से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपनी कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हो तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक हमारा वीडियो पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए बात करते हैं गांठ गोभी की वैज्ञानिक विधि से किसान भाई खेती किस प्रकार करें। किसान भाइयों, गांठ गोभी को देश में कई नामों से जाना जाता है। इसकी खेती कश्मीर, बंगाल, महाराष्ट्र, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। गांठ गोभी का गोभी वर्गीय सब्जियों में महत्वपूर्ण सब्जी है यह, परंतु काफी कम क्षेत्र में इसकी खेती हो रही है। देश के पहाड़ी क्षेत्रों की लोकप्रिय सब्जी है ये, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसकी खेती संभव है। किसान बंधु वैज्ञानिक तकनीकी से इसकी खेती करके इसकी अच्छी गुणवत्ता के फल और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में गांठ गोभी की उन्नत खेती कैसे करें, उनकी किस्मों के बारे में हम जानकारी देंगे और आप उससे कितनी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और रोग व कीटों से अपनी फसल को किस प्रकार आप बचा सकते हैं, उन सब के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप अन्य गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती की तकनीकी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो भी सुन सकते हैं। तो ये तो थी विशेषताएं किसान भाइयों, अब बात करते हैं गांठ गोभी की खेती की प्रक्रिया क्या है। गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए। गांठ गोभी के लिए ठंडी और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। पौध वृद्धि तथा गांठों के गठन के लिए औसतन तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा माना जाता है। अब बात आती है भूमि की, तो किसान भाइयों गांठ गोभी की लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में खेती संभव है, लेकिन जीवांश पदार्थ की मात्रा उनमें प्रचुर होनी चाहिए। अगेत्थी फसल के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 हो वह उचित है। उसके बाद है किसान भाइयों खेत की तैयारी। गांठ गोभी की खेती के लिए 3 से 4 जुताई की आवश्यकता होती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से शेष कल्टीवेटर से करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पट्टा लगाना चाहिए, इससे मिट्टी भुरभुरी तथा खेत समतल बन जाता है। खेत तैयार होने के बाद सुविधा अनुसार क्यारियां बना लें, जिससे सिंचाई और निराई गुड़ाई में आपको सुविधा हो। अब बात आती है किसान भाइयों उन्नत किस्मों की। गांठ गोभी की अभी तक अधिक किस्मों का विकास नहीं हुआ है। अवाइट वियाना, पर्पल वियाना, लार्ज ग्रीन, किंग नाम की कुछ किस्में हैं जो इस प्रकार हैं। लार्ज ग्रीन हरी व गोल, अरे गोल उभार वाली, अगेती छोटे शिखर, बड़े आकार की कोमल और सुगंधित गुदा सफेद, करीब 75 दिन में तैयार। औसतन पैदावार 225 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मध्य और ऊंचाई पर्वत क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है ये किस्म। उसके बाद किसान भाइयों किंग ऑफ नॉर्थ छोटे पौधे की किस्म है। लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई होती है। इसकी पत्तियां गाढ़ी हरी और इसकी गांठें चपटा गोलाकार की होती है। फसल 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है इसकी। उसके बाद किसान भाइयों पर्पल वियाना, यह भी छोटी किस्म है। गांठे मध्यम आकार की होती हैं। पौध रोपण के 55 से 65 दिन बाद गांठे बनना प्रारंभ हो जाती हैं। इसकी काफी अच्छी पैदावार होती है। उसके बाद है किसान भाइयों व्हाइट वियाना, सफेद उभरे स्थानों और छोटे शिखर वाली, मध्य आकार, हल्का हरा या सफेद रंग, नरम, थोड़ी गंध और 50 से 60 दिन में गांठ बनना शुरू हो जाती है। औसतन पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मध्यम एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है। उसके बाद है किसान भाइयों पालम डेंट्रानोब, छोटे हरे पत्ते, गांठे गोल, समतल, पतली, रेशा रहित वह गुद्देदार, अगेती व्हाइट वियाना किस्म से 1 सप्ताह पहले तैयार हो जाती है, यानी इससे ऊपर वाली किस्म से 1 सप्ताह पहले ये किस्म तैयार हो जाती है। औसतन पैदावार 250 से 275 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है। तो ये तो थी कुछ किस्में किसान भाइयों जो अनुमोदित है। उसके बाद बात आती है बुआई का समय। इसका
कौन सा है? गांठ गोभी की पर्वतीय क्षेत्रों में बीज की बुआई तथा रोपाई के समय का निर्धारण क्षेत्र विशेष के उपरोक्त सुझाए गए तापमान एवं वातावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में अगस्त से अक्टूबर उपयुक्त है, मध्य क्षेत्रों में जुलाई से अक्टूबर उपयुक्त है और उच्च क्षेत्रों में मार्च से जुलाई उपयुक्त इसका समय है खेती का। उसके बाद है किसान भाइयों, इसके बीज की मात्रा गांठ गोभी के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अब बात आती है पौधशाला की तैयारी यानी नर्सरी की तैयारी। जमीन से 15 सेंटीमीटर उठी हुई नर्सरी की क्यारियों में अच्छी सड़ी हुई गोबर कंपोस्ट खाद तथा 50 से 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंगल सुपर फास्फेट मिलाकर मिट्टी की तैयारी करनी चाहिए। पौधशाला में भूमिगत कीटों व व्याधियों यानी बीमारियों से बचाव के लिए निम्न में से कोई भी एक उपाय आप अपना सकते हैं। पहला है फॉर्मेलिन नामक रसायन का 2% अर्थात 20 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर तैयार नर्सरी की क्यारियों में मिट्टी की 2 से 3 परतों पर छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए क्यारियों की मिट्टी को लगभग 6 इंच गहराई से बाहर निकालकर इसकी निचली सतह पर छिड़काव करना चाहिए। फिर मिट्टी की एक परत बिछाकर दोबारा घोल का छिड़काव करें तथा मिट्टी की दूसरी परत बिछाकर पुनः छिड़काव करें। तत्पश्चात पॉलिथीन शीट से ढककर इससे अच्छी प्रकार से चारों ओर से दबा दें ताकि अंदर से गैस बाहर न निकल पाए। 3 दिन बाद पॉलिथीन को हटाकर क्यारियों की हल्की गुड़ाई कर खुला छोड़ दें जिससे गैस उड़कर निकल जाए। इसके 1-2 दिन बाद क्यारियों को समतल करके बीज की 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाई गई कतारों में बुआई बारीक मिट्टी और छनी हुई गोबर की कंपोस्ट खाद से ढककर हल्के हाथों से उसको थपथपाकर दबा दें तथा हल्की सिंचाई करें। अधिक वर्षा के समय क्यारियों को छप्पर या पोलोथीन से ढकने का प्रबंध भी आपको करना चाहिए ताकि अंकुरण पर प्रभाव न पड़े। उसके बाद है किसान भाइयों, नंबर 2, क्यारियों में 3 से 5 ग्राम डाइथन M45 या फिर थीमेट या फिर क्लोरोफायरीफोस प्रति वर्ग की दर से अच्छे प्रकार मिलाकर 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी तथा 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहरी कतारें निकालें। तत्पश्चात कवकनाशी रसायन कार्बोनडाइजम या थायरम से 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से शोधित बीज की बुआई करें। हल्की सिंचाई करें। अधिक वर्षा से बचाव के लिए नर्सरी की क्यारियों को घास फूस के छप्पर या फिर पॉलिथीन शीट से ढकने का प्रबंध रखना चाहिए। 25 से 30 दिन की पौध रोपाई के लिए उपयुक्त रहती है। उसके बाद बात आती है किसान भाइयों खाद और उर्वरक की। गांठ गोभी की फसल में उर्वरक का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना उपयुक्त रहता है। अच्छी पैदावार के लिए 20 से 25 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। आखिरी जुताई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा भूमि में अच्छी प्रकार से मिला देनी चाहिए। उसके बाद किसान भाई रोपाई और दूरी। गांठ गोभी की रोपाई के लिए 25 से 30 दिन की पौध उपयुक्त होती है। तत्पश्चात कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं और पौध रोपाई कर हल्की सिंचाई करते हैं। यदि कुछ पौधे मर जाएं हो या बंडवारा चिन्ह हो तो उनके स्थान पर नई पौध की पुनः रोपाई 1 हफ्ते के अंदर कर दें। रोपाई के 1 माह बाद 6-7 दिन नाइट्रोजन की मात्रा छिड़ककर पौधों के चारों तरफ मिट्टी चढ़ानी चाहिए। उसके बाद है किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण। गांठ गोभी की फसल में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई निराई गुड़ाई कर खरपतवार खेत से निकालते रहें, क्योंकि मुख्य फसल को दिए जाने वाले पोषक तत्व को लेकर खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं जिससे मुख्य फसल का विकास रुक जाता है और बढ़वार ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। इसलिए रोपाई के 25 से 30 दिन तक खेत के खरपतवार निकालते रहना चाहिए जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी हो और उच्च गुणवत्ता वाली गांठें प्राप्त हों। रासायनिक नियंत्रण के लिए पेंडी मेथेलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोग करना चाहिए, लेकिन उपयोग से पूर्व वैज्ञानिक सलाह आप जरूर ले लें। उसके बाद है किसान भाइयों सिंचाई प्रबंधन। गांठ गोभी की आवश्यकता अनुसार लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। गांठों के बनते समय सिंचाई के अंतराल में परिवर्तन हो सकता है यानी आप जल्दी सिंचाई कर सकते हैं क्योंकि वो क्रांतिकीय अवस्था है, उसमें नमी का होना जरूरी है। उसके बाद है किसान भाइयों पौध संरक्षण यानी कीट और रोग रोकथाम। गांठ गोभी में कीट एवं रोग का प्रकोप काफी कम होता है। कुछ प्रमुख कीट हैं इसके, वो इस प्रकार हैं: कैबेज
सेमीलुपर मादा कीट पत्तियों के निचले स्तर पर अंडे देते हैं, इससे शिशु निकलकर गांठ गोभी की पत्तियों को काटकर खा जाते हैं, जिससे पौधे का विकास प्रभावित होता है। इसकी रोकथाम के लिए, इसके नियंत्रण के लिए नीम सिद्ध कर्नेल एक्सट्रैक्ट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल तैयार करके छिड़काव करना लाभदायक पाया गया है। उसके बाद किसान भाइयों, आरा मक्खी वैसा कीट नारंगी रंग का होता है। मादा कीट पत्तियों के किनारे पर अंडे देते हैं, जिससे 3 से 5 दिन में शिशु निकल आते हैं। ये बड़ी तेजी से पत्तियों को खा जाते हैं, जिससे पत्तियों में छेद बन जाते हैं। इसके प्रकोप से पत्तियों में बनने वाले क्लोरोफिल प्रभावित होता है, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। रोकथाम नियंत्रण के लिए 5% नीम तेल का छिड़काव करना चाहिए। संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें, साथ ही प्रकोप की अवस्था में सिंचाई करने पर प्रकोप कम हो जाता है इसका। अब बात आती है किसान भाइयों रोग और रोकथाम की। लीफ स्पॉट, इससे पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। धब्बे अधिक बढ़ने पर पत्तियां झुलस जाती हैं। रोकथाम किस प्रकार करें? नियंत्रण के लिए बीज क्षेत्र को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें तथा बीज को मैनकोजेब 75% चूर्ण 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल तैयार कर खड़ी फसल में छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों डैम्पिंग ऑफ, इस रोग के कारण बीज का अंकुरण कम होता है, बीज की जड़ और तना सड़न हो जाते हैं। पौधे के तने के भाग गलने से नवांकुरित पौधे गिर जाते हैं तथा धीरे धीरे सूख भी जाते हैं। रोकथाम के लिए, इसके नियंत्रण के लिए कार्बोडाजम 50% चूर्ण का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल तैयार कर बीज क्षेत्र को उपचारित करना चाहिए। खेत में जल निकास का उचित प्रबंधन करें, साथ ही फसल चक्र आपको अपनाना चाहिए। और कीट व रोग रोकथाम की अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और यह एक IPM विधि यानी नई तकनीक है, उससे किसान भाइयों को खर्च भी कम आएगा और रोकथाम भी अच्छी होगी कीट व रोगों की। अब बात आते हैं किसान भाइयों फल कटाई की। गोभी, गांठ गोभी की फसल की कटाई लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर परिधि की गांठ बन जाने पर कटाई करना लाभदायक पाया गया है। अब बात आती है पैदावार की। तो पैदावार उपरोक्त वैज्ञानिक विधि से तकनीकी से खेती करने पर विभिन्न किस्मों से 12 से 300 टन गांठ गोभी का उत्पादन प्रति हेक्टेयर किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थी किसान भाइयों गांठ गोभी की उन्नत खेती आप किस प्रकार करें वैज्ञानिक विधि से। आपको उपलब्ध जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास ये वीडियो पहुंचे। और यदि वीडियो में आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट dainikjagriti.com पे आके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस लेख का लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। और आप सभी से विशेष अनुरोध है, आप हमारा पूरा वीडियो सुनिए, उससे आपको बहुत सी जानकारियां प्राप्त होंगी और निश्चित तौर पर आपकी पैदावार उस विधि से बढ़ेगी। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम एक और नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।